हेलो स्टूडेंट्स आज हम प्रैक्टिस सेट 15.3 का क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं यहाँ पे दिया गया है पी क्यू आर एस इज एन आइसोसिलस ट्रेपेजियम यहाँ पे जो पी क्यू आर एस पैरालोग्राम है या आइसोसिलस ट्रेपेजियम है लेंथ ऑफ पी क्यू इक्वल टू 7 सेंटीमीटर सेगमेंट पी एम परपेंडिकुलर टू सेगमेंट एस आर लेंथ ऑफ एस एम इक्वल टू थ्री सेंटीमीटर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरालल साइड इज फोर सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ पेरेलोग्राम पी क्यू आर एस यहाँ पे ये जो पी क्यू आर एस है आइसोसेले जो ट्रेपिजियम दिया है इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे जो जो दिया है वो इस प्रकार से हम राइट डाउन करेंगे देखो यहाँ पे पी क्यू आर एस क्या है तो एक आईसोसेलस ट्रेपेजियम है यहाँ पे लेंथ ऑफ पीक्यू क्यू वैल्यू दी हुई है सेवन सेंटीमीटर एस एम इक्वल टू थ्री सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ पीएम इक्वल टू फोर सेंटीमीटर देखो यहाँ पे पी की वैल्यू है सेवन सेंटीमीटर पीएम की वैल्यू है फोर सेंटीमीटर और एस एम की वैल्यू है थ्री सेंटीमीटर यहाँ पे पी एस इक्वल टू लेर पी एस और क्यू आर कैसे है दोनों इक्वल लेंथ के है यहाँ पे ड्रॉ क्यू एन परपेंडिकुलर टू साइड एस आर ये जो क्यू एन है कर दिया तो यहाँ पे क्यू एन एस आर पे परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे एड डाउन कर सकते हैं लेंथ ऑफ सेंटीमीटर देखो यदि पीएम की वैल्यू फोर सेंटीमीटर है तो क्यू एन की वैल्यू भी कितनी मिल जाएगी हमें फोर सेंटीमीटर क्योंकि क्यू एन इज परपेंडिकुलर टू एस आर देयर फोर पी एम इक्वल टू क्यू एन देअ ऑफ क्यू एन इक्वल टू फोर सेंटीमीटर ये हो गया इसके बाद इन राइट एंगल ट्राइंगल पी एम एस एन ट्राइंगल क्यू एन आर दोनों जो ट्राइंगल मिल गए यहाँ पे ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल कैसे मिल गए हमें यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल मिल गए तो यहाँ पे इन राइट एंगल ट्रायंगल PMS एंड ट्रायंगल QNR तो यहाँ पे ये जो दोनों ट्रायंगल मिल गए PMS और QNR दोनों ट्रायंगल हमें राइट एंगल ट्रायंगल मिल गए तो इसलिए हाइपो PS कॉंगुरेंट हाइपो QR जो हाइपो है इसलिए PM कॉंगुरेंट साइड QN जो PM साइड है वो किसको कॉंगुरेंट है QN को कांग्रेंट है यहां पे दिया गया है इसलिए ट्राइंगल PMS कांग्रेंट टू ट्राइंगल क्यू दोनों ट्राइंगल कैसे बन गए हाइपोटेनियस साइड से टेस्ट से दोनों ट्राइंगल कांग्रेंट बन गए इसलिए लेंथ ऑफ NR इक्वल टू लेंथ ऑफ SM इसलिए ये जो यदि दोनों ट्राइंगल कांग्रेंट है तो इसलिए एस एम की वैल्यू और NR की वैल्यू कैसे मिल जाएगी सेम मिल जाएगी क्योंकि ये हाइपोटेनियस साइड टेस्ट से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है इसलिए एस एम इक्वल टू एनआर मिल गया इसलिए यहां पे राइट डाउन करेंगे एनआर इक्वल टू एस एम एनआर की वैल्यू हमें कितनी मिल गई फिर थ्री सेंटीमीटर क्योंकि एस एम की वैल्यू थ्री सेंटीमीटर है इसलिए एनआर की वैल्यू भी थ्री सेंटीमीटर मिल गई अभी पी एम एन क्यू इज अ रेक्टेंगल सेंटर में देखो यहाँ पे पी एम एन क्यू ये सेंटर में का जो ट्राइ रेक्टेंगल है ये क्या बन गया रेक्टेंगल है रेक्टेंगल में लेंथ ऑफ एम एन pq की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर है ऑपोजिट साइड है रेक्टेंगल के इसलिए दोनों इक्वल हैं अभी फाइंड आउट करते हैं sr की वैल्यू तो sr की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे sm mn और nr की वैल्यू तीनों वैल्यू ऐड करके हम sr की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इसलिए sr की वैल्यू मिल गई हमें 3 plus 7 plus 3 equal to 13 सेंटीमीटर ये मिल गई हमें sr की वैल्यू अभी हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड आउट करेंगे तो देखो इस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर्मूला डाउन किया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू वन ऑफ टू इंटू समल इंटू हाइट इक्वल टू वन ऑफ टू इंटू समल साइड जो पैरल साइड से उसकी जो लेंथ है उसकी एडिशन करेंगे इसलिए इंटू हाइट क्या? क्या है पीएम दी गई है वन ओ पॉइंट टू पी क्यू की वैल्यू है सेवन और एस आर की वैल्यू है थर्टीन दोनों के एडिशन की मल्टीप्लाई बाय फोर वन ओ टू दोनों के एडिशन मिल गई हमें ट्वेंटी इंटू फोर तो टू वन जा टू टू वन जा टू टू जीरो जीरो यहाँ पे मिल गया टेन टेन मल्टीप्लाई बाय फोर कितने हो गए फोर्टी स्क्वेयर सेंटीमीटर देयर फोर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस इज फोर्टी इस प्रकार से हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड आउट किया इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट फिफ्टीन पॉइंट थ्री इसमें का क्वेश्चन नंबर थ्री सॉल्व किया आज का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताना है वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो